गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं बुर्ज खलीफा जो कोलकाता पेंडोल में किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, कोई उम्मीद नहीं थी हम लोग के आने की, लेकिन मेरे साथ उपेंद्र आए हुए हैं। इनके पास फायर ब्रिगेड से इनके पास पास था जिसकी वजह से हम लोग एंट्री मुझे मिली, बट मुझे एंट्री मिलने के बाद भी मुझे बाहर कर दिया गया बिकॉज़ हम लोग के पास प्रॉपर वीआईपी पास नहीं था। और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा लोग है, और वीआईपी में जाने के बाद भी निकल के लोग काफ़ी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब मास्क यूज़ कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही। पहले तो हम लोगों ने सोचा जाऊँगा नहीं, काफ़ी मुश्किल से काफ़ी दूर से हम लोग यहाँ आए लेक टाउन, और उसके बाद ये बुर्ज खलीफा को देखना था मुझे। कोलकाता में दुबई में आने का मौका मिला, सपोज दुबई, आप अगर आप दुबई में हो तो दुबई का बुर्ज खलीफा देखो, कोलकाता में बुर्ज खलीफा हो गया है तो इसको देखना है। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्राउड है। क्राउड आप देखो, इतना ज़्यादा क्राउड है, कैसे उसको आप फील करोगे आप? प्लीज़ डोंट कम टू विथ चाइल्ड, चाइल्ड के साथ मत आओ। देख पा रहे हो यहाँ आप क्राउड देखो, पीछे की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे क्राउड्स, इतनी ज़्यादा क्राउड्स गाइस। मैं कैमरा मेरा कई बार गिरते गिरते बचा, मैं ट्राइपॉड गिरते गिरते बचा। काफ़ी सेफ रखना है अपने वॉलेट को, काफ़ी सेफ तरीके से जाना है आपको अंदर की तरफ। तो देखो आप इधर की तरफ देखो, अब अंदर की तरफ आ रहे हैं। लाइटिंग काफ़ी खूबसूरत की गई हुई है, बहुत चारों तरफ जितनी बिल्डिंग्स हैं सारे तरफ लाइटिंग की गई है, लाइटिंग का बहुत अच्छा है, फैसिलिटी दी गई है चारों तरफ, पुलिस अपनी पूरी सिक्योरिटी दे रही है, सीसीटीवीज है, सब कुछ है। और देखो क्राउड में थोड़ा सा चलने के बाद काफ़ी वेट करना पड़ा है, काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, पूरी तरीके से हम लोग वेट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा बहुत लोग हैं यहाँ पे। और बार बार हैं किसे मास्क यूज़ करना है, और करीब अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, और आपको वीडियो थोड़ा हम पॉज करके आपको दिख रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, आप देख पाओगे अभी कुछ ही देर में बुर्ज खलीफा को, आप देख पा रहे हो बुर्ज खलीफा आपके करीब में पहुँच गए हैं। बस हम लोग यहाँ पर भी बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि आपको खड़े नहीं होना है कैमरा लेके, क्योंकि दूसरों को देखने का मौका दिया जाए, क्योंकि पीछे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बहुत लोग आ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में बारिश हो, इसलिए चाहते हैं हम लोग कि जितना जल्दी देख ले क्योंकि टाइम कम है। और ये देख पा रहे हो ब्यूटीफुल बुर्ज खलीफा देख पा रहे हो, कितना खूबसूरत लाइटिंग की गई है, देखिए आप देखो कितनी तरीके अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है। और काफ़ी आपको करीब 2 घंटे क्यू में आने के बाद आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा। आप देख पा रहे हो जो डिज़ाइन बनाई गई है इसके अंदर, अंदर में जो दुर्गा की अंदर में जो मूर्ति है अंदर की तरफ है, पर हम इनसाइड जाने का परमिशन नहीं है, आपको यहाँ से ही आगे बढ़ना है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से अनाउंस कर रहे हैं, कहीं से कोई मौका नहीं है गाइज। और आप देख पा रहे हो काफ़ी यहाँ पे भीड़ में, काफ़ी ज़्यादा क्राउड में हम लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये ब्लॉग मुझे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, हर तरफ पुलिस खड़ी है और अलाउ नहीं कर रही है कि आप इतना देर वीडियो करो, इसलिए मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर पूरे अच्छे से दिखाऊंगा तो मेरा कैमरा भी टूट सकता है, मेरा मोबाइल टूट सकता है, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल के साथ आपको दिखा रहा हूँ। देख पा रहे हो आप बुर्ज खलीफा, लेकिन आपको मैंने उसे ज़रूर दिखाना है। तो गाइज वीडियो ऐसा लगा, अच्छा लगा, ज़रूर लाइक करना, और फन कोलकाता को शेयर करना, फन कोलकाता को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि काफ़ी बहुत मुश्किल के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे फ्रेंड्स हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलना है, आज देखना है बुर्ज खलीफा को। तो आपका फिर से आपको करीब से दिखा रहा हूँ लाइटिंग इसकी, कितनी अच्छी लाइट की गई है, और मुझे लगता है होल नाइट यहाँ पे लोग आते रहेंगे और देखते रहेंगे, क्योंकि ये कोलकाता का सबसे टॉप लेवल पे गया है, इसका कॉस्ट करीब 60 लाख से भी ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे सुनने में आया करीब करोड़ के आसपास इसका कॉस्ट है इसको बनाने में। इसका आप काफ़ी दूर तक देख पा रहे हो बिल्डिंग में लाइटिंग की गई है, और अब निकलने के बाद भी क्राउड है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से जा रहे हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत बच्चों को लेकर प्लीज़ अब ना आए यहाँ पे, आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों को लेकर ना आए यहाँ पे आए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे इतनी क्राउड है कि आप बच्चे गिर सकते हैं, और अगर आपके एजेड लोग को भी ना आए लेके आए यहाँ पे आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्राउड में कुछ भी हो सकता है, इसलिए संभल के आना है, अपने आप को सेफ रखना है। और अभी COVID-19 का वक्त चल रहा है तो अपने आप को सेफ रखना है, ज़्यादातर आप यंग जनरेशन आए वो सही रहेगा गाइज। तो आपको आगे भी दिखाता हूँ, अभी थोड़ा हम लोग इन्जॉयमेंट करेंगे गाइज।
फिर अभी हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, मेरे साथ अमित है, उपेंद्र है, तो अभी हम लोग कौन सा आइसक्रीम ले रहे हैं? ये हम लोग फिश आइसक्रीम ले रहे हैं। काफी ज्यादा हम लोग स्वेटिंग हो चुकी है, बॉडी पूरी कितनी क्राउड थी ज्यादा, अभी फटाफट पेमेंट कर देना भाई, पेमेंट करेगा সবাইকে। আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে বারবার রিকোয়েস্ট করছি, কেউ আপনারা ফোন দিয়ে রাস্তায় রাখতে পারবেন না, এখনো আমাদের মায়ের দর্শন করার জন্য প্রচুর লোক সুযোগ করে দৌড়ানো क्राउड को जस्टिफाई नहीं कर रहा है पंडाल, अच्छा है पर जस्टिफाई नहीं हो रहा है, क्राउड मैनेजमेंट बहुत खराब है। हम सब आइसक्रीम इसके लिए हमने काफी हेल्प की वीआईपी पास से हम लोग यहाँ पे आ सके, लेकिन सिर्फ 50% इनका जो ये वीआईपी पास था वो 80-50% काट दिया, हम लोग आधा रास्ता आ सके उसके बाद हम लोगों को भगा दिया आईस ऑफिसर ने, फिर से हम लोग बैक करके अंदर आए। आईपीएस है सॉरी, देखिए अभी स्मार्ट कर रहे हैं, देखिए अभी दिन की शादी होना बाकी है, तो भाई इनके जो अगर लड़के तो बताइए यूपी में जो हुआ वो आपको हम बता नहीं सकते, ये आपको क्राउड इतनी थी कि बस हम लोग उस चीज को फील कर सकते हैं पर हम बोल नहीं सकते, वो भी साफ साफ के लिए। हाँ एग्जैक्टली।